राजकीय गोरी देवी महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद बालकनाथ ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद बालकनाथ ने छात्राओं को राष्ट्र हित व राष्ट्र सेवा के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा किसी भी समाज, गांव, शहर व देश का शिक्षा के बिना उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से उच्च शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ने तथा प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में जाकर देश सेवा का करने का आह्वान किया। इस दौरान एबीवीपी में छात्र संघ अध्यक्ष जया सैनी, उपाध्यक्ष भावना नरूका, महासचिव दीपमाला डीघवाल व संयुक्त सचिव दीपांशी छाबड़ा सहित अन्य छात्राएं मौजूद रही। छात्र संघ अध्यक्ष जया सैनी ने महाविद्यालय की समस्याओं की जानकारी देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारी बहन जया जी का कार्यालय का उद्घाटन करने का हम सबको सौभाग्य मिला है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि नवरात्रे का शुभ अवसर है और देवी स्वरूप हमारी जया जी साक्षात देखो दुर्गा का वास हमारी प्रत्येक माता बहन के अंदर है। उस भाव से हम सबको तो सौभाग्य का अवसर मिला है कि आज ऐसे शुभ अवसर पर हम सबको आने का अवसर मिला और जया जी के कार्यालय के इस उद्घाटन पे हमारे वीसी साहब भी पहुंचे हैं और हमारे संघ के भी हमारे कार्यकर्तागण पहुंचे हैं, एबीवीपी के भी पहुंचे, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग अलवर के पूरे पहुंचे, चेयरमैन साहब भी पहुंचे हैं। तो हमारी यही शुभकामना है कि इस सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि ये मंदिर है हमारा जहाँ पर हमारी मातृशक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है और एक हमारी बहन को शिक्षा प्राप्त होती है तो मैं कहता हूँ पीढ़ियों को आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक की वो शिक्षा को प्राप्त करती है, क्योंकि उसके द्वारा ही संसार आगे बढ़ता है। तो उस परिवार को, स्वयं के परिवार को, जिस परिवार में वो जाएंगी उस परिवार को, उसके बाद उस परिवार में भी आगे आने वाले परिवारों को उस शिक्षा का लाभ मिलता है, उस ज्ञान का लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से इस शिक्षा के पवित्र स्थान को ये स्वच्छ और सुंदर और शिक्षा के भाव को जो है कि इसका मूल भाव इसमें संचालित कर रखेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना और हम सब इनके साथ हैं इस परिसर के स्थान के लिए, इस परिसर के विकास के लिए और इस शिक्षा के इस स्थान में अच्छे से अच्छे बच्चियों की शिक्षा हो, इन सब उद्देश्यों के साथ हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और निरंतर इस शिक्षा के जो यज्ञ को आगे बढ़ाते रहेंगे।